वो फ्लावर से मैंने अब तक टैग नहीं निकाला है. डोंट जज मी, आई एम वेरी टेस्टी लाइक दैट बिकॉज़ अंटिल देन इट कीप्स मेकिंग मी फील लाइक अभी तक नया है. हाय, वेलकम टू आई ट्राई द चीपेस्ट थिंग्स फ्रॉम ज़िवामे. यार ज़िवामे से अपन ने बहुत ज्यादा हॉल्स किए हैं लेकिन इट नेवर डन अ चैलेंज, सो दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ डूइंग दिस टाइम. बिकॉज ये चैलेंज का इंपॉर्टेंस होता है कि सबसे सस्ती चीज की भी क्वालिटी कैसी है. दिस वे वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट द ब्रांड. दिस वीडियो इज वेरी काइंडली स्पॉन्सर्ड बाय लेडी शॉप्स, जो है एक कैशबैक प्रोवाइडेड एप्लीकेशन. लेडी शॉप्स पे 2000 से ज्यादा स्टोर ऑप्शंस है एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी बाय शॉपिंग नॉर्मली बट जस्ट थ्रू लेडी शॉप्स. मैं और आपको बताऊंगी इसके बारे में इन द मिडल ऑफ द वीडियो. सबसे पहले आई वेंट आउट लुकिंग फॉर अ बेसिक टी शर्ट ब्रा और उसमें मेरे को ये वाला मिला एंड इसका MRP ही इतना था विच शॉक्ड मी द मोस्ट कि ब्रो दिस इज अमेजिंग. इसकी पैडिंग काफी अच्छी है, ट्वीन्स का टैग है इसमें. आई थिंक दिस इज मेंट फॉर टीनेजर्स. व्हेन आई ट्राइड इट ऑन इट फिट मी वेरी वेल. ये वीडियो बेसिकली बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट ब्रा दैट आई वेंट लुकिंग फॉर वॉज घर वाला ब्रा. का कलर आई नो बहुत ज्यादा प्रिटी है, कम्फर्ट भी काफी अच्छा है. इसके कप्स आर नॉट बिग, तो अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो दिस इज नॉट द वन फॉर यू. ये वाली कैटेगरी में यूजुअली साइजेस का इशू होता है बट यू कैन क्लिक ऑन नोटिफाई मी एंड यू विल गेट इट. मेनली इसका मटेरियल एकदम कंफर्टेबल होता है विच इज वाई आई लाइक दिस कैटेगरी अ लॉट एंड घर पे मेरे को ये एंड ब्रालेट्स पहनना सबसे ज्यादा पसंद आता है. यूजुअली ऑल माय ज़िवामे हॉल्स में देयर आरंट एनी टैग्स बिकॉज़ आई वेयर एवरीथिंग बहुत ज्यादा बिफोर मेकिंग द वीडियो. अगला ब्रा दैट आई वेंट लुकिंग फॉर वाज अ स्ट्रैपलेस ब्रा बिकॉज पर्सनली मैं स्ट्रैपलेस ब्रा बहुत ज्यादा पहनती हूँ तो मेरे एसेंशियल में आता है. वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स इज ऑल्सो वेंचरिंग इन टू थोड़े पट्टी वाले टॉप्स, थोड़े फैंसी वाले टॉप्स. फॉर हर ऑल्सो लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि करंटली एकदम सस्ता स्ट्रैपलेस ब्रा कितने में मिलता है एंड क्या क्वालिटी में मिलता है. तो फॉर दैट आई फाउंड दिस वन एंड इसकी पैडिंग काफी अच्छी है, इसकी वायरिंग भी काफी तगड़ी है, इट गिव्स काफी अच्छा सपोर्ट एंड इसका प्राइस पॉइंट तो व्हेन आई बॉट तभी कुछ खास सेल भी नहीं था. द फाइनल वन, दिस स्पोर्ट्स ब्रा इज सो फ्रिकिंग हॉट. वन थिंग प्लीज रिमेम्बर के ज़िवामे का जो स्पोर्ट्स वेयर कैटेगरी है उसमें स्पोर्ट्स ब्रास एंड लेगिंग्स बड़े साइज में लेना बिकॉज नॉर्मली आई फिट इन टू अ मीडियम साइज स्पोर्ट्स ब्रा. इसमें मेरे को XL आता है. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द बिगेस्ट साइज रेंज, सो इफ यू नॉर्मली वेयर अ लार्ज प्लीज डबल XL के नीचे मत लेना बिकॉज पर्सनली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा. आई थिंक दे कैन डू बेटर विद देयर डिजाइन. थोड़ा और क्यूट नियॉन फैंसी होगा ना तो आई वुड बाय मोर. यूजुअली आई बाय फ्रॉम डिकैथलॉन नियॉन पॉप स्पोर्ट्स ब्रास लेकिन कम्फर्ट इसका काफी अच्छा है. नाउ वी मूव ऑन टू चड्डीज. तो वन ऑफ द चीपेस्ट चड्डी आई फाउंड वाज दिस वन जिसमें ऊपर लेस वाला पैनलिंग था. ज़िवामे के अंडरवेयर का कॉटन का फैब्रिक मेरे को अच्छा लगता है, इट्स वेरी कम्फर्टेबल वेरी ब्रीदेबल. सो दैट्स व्हाई आई वेयर बाय दिस ओनली. ऑलमोस्ट इन एनी सिंगल हॉल आई बाय वन पैकेट बिकॉज आई कीप चेंजिंग माय चड्डीज वेरी फ्रीक्वेंटली. द चीपेस्ट सेट दैट आई कुड फाइंड वाज दिस वाला. साइजिंग थोड़ा मेरे को कंसर्न होता है, इट्स वेरी क्यूट. यूजुअली मैंने ऐसे लेस वाले नहीं ट्राई किए, मैंने नॉर्मल वाले ट्राई किए बट कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को कम्फर्ट में. कैन यू टेल मी आपके लोकल मार्केट से कितने की आप लेके आते हो? द स्टोर आर यूजुअली गो टू जहाँ मैं बचपन में जाती थी, दे आर सेलिंग कॉटन अंडरवेयर्स फॉर 200 रुपए का, एक से भी ज्यादा. एंड आई एम थिंकिंग कैसे, क्यों, हाउ हैज इट गॉन सो एक्सपेंसिव? बट टेल मी हाउ मच डू यू यूजुअली गेट इट फॉर एंड फ्रॉम वेयर इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग दैट बिकॉज आई मेक नोट्स. ये सिटी में जाओगे तुमको इधर जाना है, ऑलवेज हेल्प्स मी. नेक्स्ट चड्डी दैट आई हैव इज दिस अल्ट्रा हाई वेस्टेड चड्डी बिकॉज व्हेनेवर आई वेयर बॉडीकॉन ड्रेसेस आई फाइंड दिस कंफर्टेबल. मेरे पेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ आई हैवंट वर्कड आउट, इफ आई हैवंट टेकन केयर ऑफ माय बॉडी एंड इफ इट शोस देन आई एक्सेप्ट इट. बट दिस इज कंफर्टेबल एंड आई थिंक आई वांट डबल XL इन दिस अगेन बिकॉज मेरे को मेरा पेट छुपाना नहीं है, मेरे को सिर्फ उधर एक कपड़ा चाहिए. आई डोंट वांट टू लाइक टाइटन इट अप. शेपर की रेंज इतनी थी, इससे ज्यादा अफोर्डेबल कुछ नहीं था. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द शेपर कैटेगरी यही रेंज का था. सो नाउ आई टेल यू हाउ यू कैन मेक मनी वाया लेडी शॉप्स विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग एट ऑल. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपने रिकमेंडेशन भेजते हैं. वन ऑफ अ वेरी क्लोज पर्सन इन माई लाइफ इज गेटिंग मैरिड वेरी सून. फॉर हर रोका आई वेंट क्रेजी सेंडिंग हर मेकअप रिकमेंडेशंस एंड आउटफिट रिकमेंडेशंस. यूजुअली वी जस्ट सेंड नॉर्मल रिकमेंडेशंस एंड देन दे पिक व्हाटएवर दे वांट. बट इफ यू मेक अफिलिएट लिंक्स फॉर लेटी शॉप्स एंड इट इज वेरी इजी टू मेक देम, यू कैन सी इन द डेमो राइट हियर. एंड एवरी टाइम यू वांट टू मेक देम यू कैन जस्ट कम बैक टू दिस वीडियो एंड वॉच दिस डेमो. यू कैन एक्चुअली मेक मनी इफ दे बाय समथिंग फ्रॉम योर रिकमेंडेशन. द पर्सन टू होम यू सेंड इट उनको एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा. इन fact if they use Letty shops they just get more discount and they will also end up saving more money. It's a win-win for
everyone. You didn't buy anything, you didn't spend anything, but still you get cash back if anyone buys from your recommendations and via your link. If your fashion sense is good now, or if you're good in makeup, then every family member will contact you if they're looking to buy something. When I started my YouTube and in general making videos, I have spent a lot of money in doing hauls. When I started, agar ye hota, sirf mera kharcha nikal aata na, it is much more of a support. If you're a content creator also, like agar aap Instagram pe ya koi alag platform pe bhi aapka content banate ho, you can generate these links, put it there, make it an additional source of revenue and make it a good side business. This way, you can earn money, you can earn cash back via Letyshops without spending any money of your own. Abhi aata hai exciting bit, which is the night suits. I don't know why everyone is in love with night suits in the lockdown, because upon officially everyone is like habitual to it. Most affordable gown that I could find was ye wala, which is pretty good compared to the local store prices also. Mummy ne mere ko bataya ki wo jahan se lata hai udhar aisi quality ka isse mehenga milta hai. It's very breathable. Iski length bhi achhi hai and it has a pocket. In the sexy gown category, there's going to be a little bit of change on the channel. I might show you a little more sexy items than before. So in the sexy gown category, I found this beautiful purple gown. This material is something that I don't think I'll feel comfortable aapko sote time. I think this is more for looks than for comfort. Agar, I don't know ki satin material aur kaun se fabric mein ban sakta hai, which is more comfortable. But when I just want to roam around the house in the daytime, feel good about myself, tab main socho ye pehenne ka. Zyada expensive nahi tha, to isliye mujhe quality ka itna bura nahi lag raha hai. The suit set that I found, the comfy pajama set, was in the kids category. Usually मेरे को 13 to 14 year old category के कपड़े आ जाते हैं, but this is actually proper kids. मैं जब 13-14 साल की थी, मुझे तो एक हिसाब से ना आए. So I wish the kids sizes were bigger. इसका t-shirt का size भी ऐसा है. T-shirt शायद मेरे को एक बार आ भी जाए, लेकिन I don't want to break the set. So it's a very cute print also. It's a unicorn print. लेकिन unfortunately it will not fit me. But the price point it's good. And the last night suit really good. The bridal section था and I'm thinking ऐसा bridal अलग क्यों है and bridal और sexy अलग क्यों है. I did not exactly understand that bridal trousseau करके एक अलग section था and from that this was the most affordable night suit I could find. I know it's काफी fancy and the shorts are also very cute. They're long, which is what I like. Fabric थोड़ा see through लग रहा है मेरे को. From the looks point of view, I like it. Next category है sportswear and sportswear के लिए I found this गंजी. Great steal for the price from a brand called Zaza. I live in गंजीज and इसके साथ pair करने के लिए मेरे को ये grey leggings मिले. Very 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 stretchy, soft. Love it. मैं इसको बाहर भी पहनूंगी. These leggings are proper. Probably my third favorite in the whole video. बहुत पसंद आने वाले leggings यार. 100% going to style it with this ganji outside. क्या ही social life है currently तो. And shorts में मेरे से हो गया है गड़बड़. These are the shorts I ordered, लेकिन ये मेरे को कोई हिसाब से fit नहीं आएंगे. तो it's okay. ये भी I can share with someone who will fit in them. This is a 11 to 12 year old shorts. मैं क्या सोच रही थी while shopping? I think in this category I was like कि हाँ ले लेते हैं जो भी सबसे सस्ता है, भले अपना size ना हो. I don't know why. इसका material is good. You are 11 to 12 years old and if you think this will fit you, try it. It's pretty long also. So if you feel more comfortable in long shorts, this will work well for you. I think the last few things that are left are under garments, like slips to be worn on lingerie but under your clothes. So एक है ये camisole. It looks very very hot because of the V-neck. I actually plan to use this as a top only. From a top point of view, great material at a great price. For the shorts, how is this a large? Yes, but like a 98 to 104 centimeter. I don't think this is 98. इसमें तो मेरा एक भी पैर नहीं जाएगा. ये XL size का है. ये Zivame का in-house brand है. This is L. This is XL. Let us compare the two. L is coming just to 50% of this XL. How is an XL literally the double of L? ऐसा थोड़ी होता है. But I'm glad कि एक तो बराबर वाला आया. I don't like to like sit with एक पैर दूसरे के ऊपर. मेरे को फैला के बैठना अच्छा लगता है. I wear these kind of shorts inside. It makes me feel very good. And ये cotton material है from what I remember. This was our challenge of I try the cheapest items. To sum it up ना, Zivame के in-house brand से I found them pretty good. Except the size of the kids wear section. I think kids wear section का sizing definitely बढ़ाना चाहिए. And sports bra में designs बढ़ाने चाहिए. And coming to other brands, Zaza का top was pretty good. The Lazo shorts have really disappointed me. So it was a mixed roller coaster. And if you want me to try कोई other lingerie brand, तो let me know. क्योंकि I'm only been shopping from Zivame.
Instagram में for almost the past year. तो अगर आप चाहते हो मैं और कोई brand को review करूँ that you want to shop from, let me know and I will do that for you. This is just a gentle reminder that in case you haven't tried the whole affiliate scenario, try it because it is just additional revenue and it's just going to help you. And a big shout out, a big thank you to Letty Shops for supporting us like this, for bringing up such a great affiliate program, for always being so transparent with us. Truly value our relationship with them and I hope we continue to work with them for a long, long time. अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड इफ यू एंजॉयड वाचिंग इट गिव इट अ थम्स अप, इफ यू डिड नॉट एंजॉय वाचिंग इट गिव इट अ थम्स डाउन. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.